छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह फिर से राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने के बाद राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर टिडिसरा में आम सभा को संबोधित किया। इसके अलावा वे अन्य कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। रोड शो बीजेपी कार्यालय से निकाली गया। बता दें कि रोड शो के दौरान डॉक्टर रमन सिंह का जगह जगह फूलमालाओं से स्वागत किया गया। उनके बाद डॉक्टर रमन सिंह माँ शीतला माता के मंदिर पहुंचे, जहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया, छत्तीसगढ़ के खुशहाली की कामना भी की। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी की हैसियत से मेरा नाम शहरी किया है, उसके बाद पहली बार मैं राजनांदगांव पे आया हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व स्वागत किया, उत्साहवर्धन किया, गांव गांव के कार्यकर्ता इंतजार करते रहे, ऐसा अभूतपूर्व स्वागत का रोड शो यहाँ पर राजनांदगांव में कुछ मोटरसाइकिल रैली पे होगा, शीतला माता के दर्शन करके आशीर्वाद होगा और मैं राजनांदगांव की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डॉक्टर रमन जी की पहचान पूरे छत्तीसगढ़ और देश में बनी है।